मैं आपको एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ सीमेंस कंट्रोल के ऊपर, सीएनसी टर्निंग पर 2 mm फेसिंग का प्रोग्राम मैनुअल कैसे किया जाता है, G0 G1 से लीनियर से, उसका फॉर्मेट क्या है, लेआउट क्या है, वो कैसे बनाना चाहिए और वो सेफ कोड में क्या दिया जाता है, कैसे G64 क्या काम करता है, सब प्रोग्राम डिटेल्स मैं अच्छी विस्तार पूर्वक आपको ये वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो पूरी तरह से हमारा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो दोस्तों आज का स्टार्ट करते हैं, ऊपर सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर कैसे बनाया जाता है उसका टेक्निक मैं आज आपको बताता हूँ टोटल। तो दोस्तों फेसिंग का प्रोग्राम हम देखने वाले, सीमेंस कंट्रोल है टोटल, और आपको इधर मैंने आपको प्रोग्राम प्रोसेस मालूम होनी चाहिए, मगर उसके पहले मैं जॉब का ये डिटेल्स इधर दिया हूँ कि क्या क्या है। तो ऑन दिस जॉब ट्रेल एमएस ऑफ 2 mm फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट, मतलब यहां से, मतलब ये का यहां से आगे का 2 mm मटेरियल रिमूव्ड बाय टेकिंग 0.5 mm डेप्थ ऑफ कट एंड फिट रेट 0.1 mm पर रिवलेशन। ये फिट रेट द्वारा हम mm पर रिवलेशन जो यूनिट है वो यूनिट के द्वारा हम 0.12, ये फिट रेट द्वारा हम 0.5 mm का डेप्थ ऑफ कट से निकालने वाले हैं। हर एक कट ये बिंदु जीरो से बाहर का 2 mm निकालने का काम ये टूल द्वारा करने वाले, ध्यान रखिए 0.5 mm का डेप्थ ऑफ कट। तो इसलिए हमको रॉ मटेरियल का साइज पहले मालूम होना चाहिए टोटली। तो रॉ मटेरियल का साइज हमको क्या है, ये 80 mm डायमीटर है, 80 mm डायमीटर है और इनटू लेंथ, लेंथ कितना है हमारा 72 है, मतलब फिनिश हमारा 70 है, ध्यान रखिए 2 mm हमको निकालने का है टोटल। तो अभी स्पीड कितना रखने वाले हैं हम, स्पीड के लिए इधर हम 1800 RPM रखने वाले हैं टोटली, और फीड कितना है 0. हमारा 1.2 mm है, mm पर रेगुलेशन है, यूनिट है उसका, ध्यान रखिए। और ऑफसेट हमको कितना लेना है टोटल ऑफसेट, तो ऑफसेट में दोस्तों क्या है, पहले टूल जो रहता है ये टूल हम जॉब के फेस के ऊपर ऐसा टच करेंगे टोटल, तो लेंथ 2 माने जेड एक्सेस होता है, लेंथ 1 माने एक्स एक्सेस होता है। तो पहले हम जेड ऑफसेट ले रहे हैं, तो कागज टच करके हम ऑफसेट लेने वाले टोटल। तो पहले हम क्या करेंगे, हलो हैंडल मोड से जॉब को, टूल को जॉब के नजदीक लाएंगे, फिर लाने के बाद हम क्या करेंगे, कागज से हलो टच करेंगे हैंडल मोड से। टच करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑफसेट पैरम बोल के एक बटन रहता है राइट साइड में, वो बटन प्रेस करने से जो हैंडल मोड में रहता है टोटल, तो उधर में नीचे एक बटन रहता है टूल मेजर बटन, प्रेस करने से मेजर मैनुअल बटन रहता है, उसको प्रेस करने से लेंथ 1 और लेंथ 2, मतलब लेंथ 1 माने एक्स, लेंथ 2 माने जेड, हम अभी लेंथ 2 का ले रहे हैं। तो लेंथ 2 बटन प्रेस करेंगे तो ऐसा आपको फेस को टच किया वाला ऐसा एक डायग्राम दिखाई देगा, तो उसमें टूल नंबर रहता है और डी मतलब ऑफसेट नंबर होता है, वो कट एज बोल के उधर ऑफसेट नंबर रहता है, D1 माने वही जो टूल नंबर होता है वही उसका ऑफसेट नंबर होता है। तो वो सेट करके नीचे जेड लिखा हुआ रहता है, तो 2.0 जेड नहीं डालने की जरूरत है, वो फानुक में डालना पड़ता है आपको ऑफसेट लेते हो। तो 2.0 इनपुट करने का, फिर सेट लेंथ बटन रहता है, वो सेट लेंथ बटन दबाने से वो क्या होता है, नीचे उसका वैल्यू आता है ऑफसेट का, जेड मतलब रेफरेंस से मशीन जीरो जॉब के जीरो तक का वैल्यू आता है, वो वैल्यू वेरीफाई करने का उधर डिक्शनरी ओपन करके उसमें ऑफसेट जेड एक्सिस का सही तरीके से जो आया है वो आया का नहीं वेरीफाई करने का। तो फिर एक्स ऑफसेट लेते वक्त लेंथ 1 सेट करने का, पहले क्या करने का टूल को बाहर निकालने का, फिर ऊपर टूल हैंडल मोड से एक्स एक्सिस को लेके एक्स एक्सिस डायमीटर के ऊपर टच करने का, पेपर लगा के टोटल, फिर पेपर लगाने के बाद लेंथ 1 का बटन प्रेस करने का टोटल, मतलब हम बैक जाएंगे तो फिर टूल मेजर मेजर मैनुअल फिर लेंथ 1 माने एक्स का आएगा, तो टूल ऐसा जॉब के डायमीटर के ऊपर नीचे साइड में ऊपर साइड में टच किया वाला एक डायग्राम आएगा, तो वो डायग्राम जो हमने डायमीटर टच किया, टूल जहां डायमीटर के ऊपर कौन से डायमीटर पे टच किया, 80 डायमीटर है,
तो टूल नंबर और ऑफसेट नंबर वेरीफाई करने का उधर जो स्क्रीन के ऊपर आया है वो वही टूल नंबर ऑफसेट नंबर है क्या देख के, फिर उसके डायमीटर का एक सिंबल रहता है उसमें एक्स डालने की जरूरत, डायरेक्ट 80.0 डालने का एक्स, ये ऑफसेट ले रहे हैं मगर एक्स देने की जरूरत नहीं है इसमें, सीमेंस में एक्स 80.0 डालेंगे ऐसा टाइप करेंगे और उसमें इनपुट करने का, पहले इनपुट बटन प्रेस करके फिर आप सेव पोजीशन एक बटन दबाने का, सेव पोजीशन के बाद सेट लेंथ बोल के एक सेट लेंथ बटन प्रेस करने से एक्स 0.0 ये सेंटर में सेट हो गया ऑफसेट ऑटोमेटिक, और वो सेव पोजीशन से एक वैल्यू आता है, सेट लेंथ से एक वैल्यू आता है, तो सेट लेंथ होने के बाद जो वैल्यू आता है वही ऑफसेट का वैल्यू एक्स में जो डिक्शनरी हमने दिया है D1 D2 जो भी है, वही जो टूल नंबर है हमारा, ये टूल नंबर 1 है समझो, ये T01 है आपका, T01 है और D1 दिया आपने समझो, तो ये D1 में एक नंबर में एक्स और जेड का ऑफसेट वेरीफाई करने का टोटल देख के। तो ये ऑफसेट लेने के बाद अभी ये जो 2 mm का मटेरियल 0.5 कट से निकालने वाला है उसका लेआउट, और कैसे लेआउट कैसे दिखता है और प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है सीमेंस कंट्रोल के ऊपर वो मैं बताता हूँ आपको टोटली, देखने वाले प्रोग्राम लेआउट का मैनुअल। तो मैनुअल के लिए 1 कट के लिए आपको 3 ब्लॉक कंपलसरी देने पड़ते हैं, 3 ब्लॉक प्रोग्राम। तो दोस्तों ये कट ब्लॉक मतलब दोस्तों क्या होता है, लेआउट जो रहता है प्रोग्राम, हमको अभी ये 2 mm निकालने का, हर कट 0.5 का है टोटल, तो 0.5 का कट निकालने के लिए हमको कितने पासेस ये करने पड़ेंगे, आपको एक कट के लिए 3 ब्लॉक कंपलसरी रहते लेआउट प्रोग्राम का, देखने 1 कट 3 ब्लॉक प्रोग्राम रहता है टोटल। तो पहला जो रहता है G0 एक्स का, इधर कट लेगा एक्स और जेड ये सेप रहेगा टोटल, वो कट ब्लॉक होता है टोटल। और दूसरा G1 में होता है एक्स कटिंग तक आएगा, ये डायमीटर से ये डायमीटर तक कटिंग करके आएगा, और एक बार फीड, वो फीड द्वारा ये फीड रेट द्वारा ये डायमीटर से ये डायमीटर तक कटिंग करके आएगा टोटल, और फिर होने के बाद ये वही डायमीटर पे ये वापस जाएगा और ये वैल्यू से प्लस, मतलब जो ये वैल्यू इससे प्लस देना है ये वैल्यू टोटली। तो ये कट के लिए आपको 3 ब्लॉक है, तो आपको टोटल मतलब ये दूसरा जो है कटिंग ब्लॉक है, ये कटिंग ब्लॉक है, और तीसरा जो है वापस सेप ब्लॉक ना, पहली जगह सेप ब्लॉक, सेम ब्लॉक वैल्यू स्टार्ट डायमीटर, स्टार्ट डायमीटर रहेगा आपका 85 और फेसिंग एंड, एंड डायमीटर x-1 तक रहेगा टोटल, क्योंकि हम सेंटर के नीचे जाने वाले टोटल, और प्रोग्राम हमारा सब जेड में प्लस रहेगा, एक्स माइनस देंगे हम सेंटर से नीचे आएगा वो टोटल, वो सेंटर के थोड़ा 1 mm नीचे, क्योंकि पॉइंट रहना चाहिए नहीं उधर, पॉइंट सेंटर में नहीं रहना चाहिए बोल के हम एक्स माइनस दे रहे टोटल। तो अभी इसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ टोटल, सीमेंस कंट्रोल के ऊपर प्रोग्राम बनाया है 2 mm का, कैसे मैनुअल कटिंग किया जाता है, और ये सिम नाम से दिए वाले सब आपको लिस्ट दिखाई देंगे प्रोग्राम के नाम, फिर नाम से ही सेव होता है टोटली। तो उसके बाद उसमें से न्यू बटन प्रेस करना है, न्यू बटन प्रेस करके हम उसमें से ये नाम डालेंगे, संकेत डाल के हम ओके करेंगे तो नया पेज ओपन होगा, तो पेज में हम ये ऐसा टाइप करेंगे, पहले सेव कोड है प्रोग्राम के, मतलब हम जो भी था
एब्सोल्युटली मतलब हम जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं एब्सोल्युटली वैल्यू से बना रहे हैं, आप कह रहे हैं टोटली। और एकात्तर माने डाटा इनपुट मैट्रिक, मतलब जो भी वैल्यू दे रहे हो एमएम में दे, मिलीमीटर में देने वाले हैं ऐसा आप कह रहे हैं टोटल। और पीडीएमएम पर रेगुलेशन माने पीडीएमएम रेगुलेशन का एक कोड है टोटल। और फिर उसके बाद ये M06 ऑटोमेटिक टूल चेंज कोड है, टूल नंबर है, ये ऑफसेट नंबर है उसका टोटली। जो टूल नंबर होता है वही डिक्शनरी कट एज बोलते हैं, उसमें एक नंबर में ही उसको ऑफसेट रहेगा टोटल। तो सॉरी ये कॉन्स्टेंट आरपीएम का कोड है G95, सीमेंस कंट्रोल के ऊपर ध्यान रखिए, और फानुक पे G97 यूज करते। तो ये 1200 आरपीएम से कॉन्स्टेंट घूमेगा टोटल, डायरेक्शन उसका स्पिंडल का है क्लॉकवाइज डायरेक्शन से वो ऑन होगा टोटल। फिर उसके बाद रैपिडली आएंगे, मगर G64 ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, कटिंग का कटिंग मोड है, वो मोड सिलेक्शन करना पड़ता है सीमेंस में। कभी भी हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, थ्रेडिंग कर रहे हैं तो G63 देना पड़ता है, और आपको कटिंग टर्निंग फेसिंग बोरिंग कर रहे हैं तो G64 देना पड़ता है। तो X85 माने सेप, ये डायमीटर हमारा 80 है तो सेप जगह 85 को रुकेगा, और Z2 माने पहला ये जगह टूल लाके ये टूल इधर लाके रुकेगा टोटल। ये 2 mm बाहर और ये 80 है 85, मतलब ये ऐसा टूल रुक गया आपका पहला इधर आके, ये बेस सेफ जगह। और हमने कूलेंट ऑन किया उधर रुकने के बाद, कूलेंट ऑन करने के बाद हमने देखा है कि हमने कट लिया है 0.5 का, तो 0.5 से समझो 2 mm का हमको कट निकालने का, तो 0.5 2 mm से 0.5 कम हुआ तो 1.5 mm, जेड 1.5 हो गया, तो 1.5 हम शिफ्ट होंगे टोटल। ये 2 mm 1.5 का हम शिफ्ट हो गए टोटल जेड को आगे आ गए। फिर G1 X-1 मतलब X85 से X-1 तक आएगा 0.5 का कट लेके ये फिड रेट द्वारा, तो ऐसा नीचे तक आएगा टोटल, ऐसा कट 0.5 का लेके इधर तक X- सेंटर इधर है X0, उसके नीचे 1 mm आएगा इसकी वजह से टोटल। फिर उसके बाद G0 मतलब रैपिड एक्स और W, W माने वही पॉइंट से 1 mm शिफ्ट हो जाएगा टोटल, और X85 G0 रैपिडली X और W माने जेड होता है ना, तो वो रैपिडली 1 mm ऐसा शिफ्ट होके वो डायरेक्टली 85 को इधर जाएंगे दोनों इसकी मिला के रैपिडली फास्ट टोटल। फिर 1.5 में से 0.5 गया तो कितना रह गया 1 mm, क्योंकि 0 अंदर है हमारा प्लस में ही प्रोग्राम में बोल के वो आपको, क्योंकि ऑफसेट लेते समय हमने 2 डाला है, तो 1.5 में से 0.5 गया तो 1, तो ये इधर जाने के बाद वापस हम 1 mm को शिफ्ट होगा, क्योंकि इधर से पकड़ेगा वो 1 mm, ध्यान रखिए क्योंकि 0 इधर है हमारा, तो Z1 देंगे तो इधर से 1 पकड़ेगा, फिर ये Z1 को आ गए, फिर वापस हमको नीचे कटिंग करके आना है क्योंकि 0.8 का इंसर्ट है, 0.5 कट बेटर है, उससे ज्यादा नहीं चलेगा MS मटेरियल को, ध्यान रखिए। तो G01 X-1 ये 1 से नीचे आएगा, ये 1 mm का कट ले मतलब 0.5 का कट लेके X-1 तक आएगा ये टोटल, इसकी वजह से ये दूसरा कट हो गया, मतलब 1 mm कटिंग हुआ है, ये 0.5 ये 0.5। फिर वापस हमको वही जगह जाना है, वो डायमीटर हमारा फिर रैपिडली ये G0 कोड है फास्ट X85 ये डायमीटर, और ये W माने लेंथ, मतलब उधर से 1 mm शिफ्ट होगा टोटल, तो ऐसे ये डायरेक्टली इधर जाएगा टोटल एक जगह एक्स और जेड की, डब्ल्यू जेड माने W, वो पॉइंट टू पॉइंट लेगा टोटल इधर से गया है टोटल। फिर Z0.5 माने इधर जाने के बाद वापस Z0.5 माने ऐसा आ गया टोटल, 0.5 प्लस में रह गया टोटल इसकी वजह से। फिर वापस हम G1 से एक्स कटिंग करके, G1 एक कटिंग का ए फिड रेट द्वारा वो कटिंग करके आएगा, तो X-1 तक, तो X-1 तक ऐसा नीचे आ गया टोटल, X-1 तक आ गया टोटल। फिर G0 X85 W माने वापस ये 1 mm प्लस माने इधर गया टोटल, X85 और W1 मतलब यहां से 1 mm शिफ्ट और ऊपर गया टोटल इसकी वजह से। फिर वापस Z0 हमारा फाइनल कट, इधर जाने के बाद वो Z0 का आएगा टोटल इधर, ये Z0 है ना हमारा, तो Z0 का आएगा, फिर X- ये नीचे, फिर ऐसा एक X-1 तक आएगा कटिंग करके टोटल ए फिट रेट द्वारा। तो फिर वापस अभी सब हमारा 2 mm जो कटिंग हुआ, मतलब एक साइड से कट हुआ है तो दूसरा ऑटोमेटिक कटिंग हो जाएगा टोटली,
2 mm का हमने 0.5 कट 0.8 इंसर्ट से 0.5 का कट लेके 0.12 फीड रेट द्वारा 2 mm का हमने कटिंग किया है। फिर अभी उसको सेफ जगह भेजने के लिए वापस हम इधर से X85Z1 इधर तक गए हम टोटल, और जो हमारा स्पिंडल ये स्टार्ट हुआ था ये कोड द्वारा वो रोकने के लिए हमने M05 दिया है टोटल। फिर उसके बाद ये रेफरेंस कोड रहता है G75X0Z0 या G74, ये सीमेंस कंट्रोल के ऊपर रेफरेंस कोड है। तो ये देने से ऑटोमेटिक टूल क्या करेगा, यहाँ से X0 और Z0 ये रेफरेंस पॉइंट को जाएगा टोटल 75 की वजह से, और M02 माने प्रोग्राम एंड होता है, इसमें सीमेंस में M02 देना पड़ता है टोटल। तो इधर प्रोग्राम खत्म हो के पहली जगह जाएगा टोटल। तो इसको कंपलसरी समझो, जो प्रोग्राम को कंपलसरी सीक्वेंस नंबर, ब्लॉक नंबर, सीरियल नंबर, रीनंबरिंग बोर्ड के बटन रहता है, प्रोग्राम आप बनाने के बाद रीनंबरिंग करेंगे तो झट से ये नंबरिंग ऑटोमेटिक आता है। प्रोग्राम टाइपिंग करते वक्त ऐसा नहीं करने का, डायरेक्टली ये टाइप करने का और रीनंबरिंग दबाएंगे तो नंबरिंग सीरियल जितने ब्लॉक है उसको ऑटोमेटिक नंबर आएंगे टोटली। तो दोस्तों मैंने फेसिंग प्रोग्राम मैनुअल G0G1 से सीमेंस कंट्रोल सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर कैसे बनाया जाता है, उसको ऑफसेट कैसे लिया जाता है, डेप्थिंग प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, मैं सिंपल तरीके से आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।